हेलो दोस्तों, आई एम अनिल कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जेटी क्या है। जेटी जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग में हमें क्या क्या सीखा जाता है, मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ कि हमें जेटी में किस तरह से काम लिया जाता है और क्या कराया जाता है। जब हम जेटी जॉब ट्रेनिंग के लिए अपने कॉलेज से जाते हैं तो हमें या 3 स्टार या 4 स्टार 5 स्टार किसी भी होटल में भेजा जाता है। वहाँ पर पहुँचते हैं होटल में तो हमें जेटी के लिए भेजते हैं। हमें पहले चूज करना होता है कि हम किस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। हमें जब डिपार्टमेंट में हम किस डिपार्टमेंट में जाते हैं, फूड प्रोडक्शन हो गया, F&B हो गया, फ्रंट हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, हमें किस में जेटी करना है, हमें चूज करना होता है पहले कि हमें किस डिपार्टमेंट से जेटी करना है। जेटी करने के लिए हमें उस डिपार्टमेंट में फिक्स होना पड़ता है क्योंकि हमें ये इन तक किसी में करना होता है। फिर जेटी के बाद कोई चेंजिंग नहीं होती है, इसलिए हमें बहुत ही इसको माइंड में सेट करके हमें इस चीज़ का डिसीजन लेना होता है कि हम जेटी किस डिपार्टमेंट से करें, हमारे लिए क्या सही होगा, क्या नहीं सही होगा, हमें फ्यूचर में क्या काम आएगा। इसलिए जेटी जब भी करें तो आपको पहले माइंड सेट करके ही आपको डिसाइड लेना है कि हम जेटी किस डिपार्टमेंट से करें। हाउसकीपिंग से कर रहे हैं या सर्विस से कर रहे हैं या फ्रंट ऑफिस से कर रहे हैं या प्रोडक्शन से कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से। अगर आप प्रोडक्शन, जब हम आपको मैं बता दे रहा हूँ, जब मैं प्रोडक्शन से हूँ, मैं जब प्रोडक्शन में जेटी कर रहा था तो जेटी मुझे सिखाया जाता था कि मुझे कटिंग कैसे करना, कटिंग स्किल बताया जाता था, उसके बैकअप कैसे देना मेरे को, कैसे ये सामान काटना है, कैसे कोरिंडर काटना है, कैसे ऑनलाइन फिल करना है, कैसे क्या चीज करना है, कैसे मुझे रेडी करके देना है। जब हमें जेटी सिखाया जाता है तो हमें कटिंग स्किल तो आनी ही चाहिए, कटिंग स्किल थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो आना चाहिए कटिंग स्किल। इसलिए हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि हमें कटिंग सीख लेना चाहिए जेटी जाते वक्त। जब हम कटिंग सीख लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसान होगा काम करना, तो हमारा काम करने में मन लगेगा। हमें इस बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं सीखते वक्त, हमें डांट भी मिलती है, गाली भी मिलती है, इन सब चीज़ों को माइंड पे नहीं लेना और हमें काम करते रहना है। और हमें किसी चीज़ के हमें माइंड में नहीं लेना है, माइंड में लेना मतलब अगर हम किसी चीज़ को माइंड में ले लिया तो हमें काफ़ी चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा काम में मन नहीं लगेगा, ये नहीं करने का मन लगेगा, वो करने। अधिकतर लोग जो लोग जेटी कर रहे हैं, जिनको जो लोग कर चुके हैं उनको पता होगा कि हमें कैसे होता है। मंजिल इतनी आसान नहीं होती कि मिलती है, काफ़ी आसान से नहीं मिलती मंजिल। हमें मंजिल के हमें काफ़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ती है और काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है, काफ़ी गुस्सा होता है। हमेशा हमें सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो मैं भी करता हूँ। हमें उसको अपना गुरु मानना चाहिए, जो भी गुरु बोलेगा वो हमें मानना है। जैसे टीचर होता है, हम स्टूडेंट होते हैं, जैसे पढ़ने के लिए जाते हैं कॉलेज में, जैसे हमें सिखाया जाता है, हमें डांट भी पड़ती है वहाँ पर, मार भी खाते थे हम पहले, तो वैसा होना वैसे ही होता है। होटल लाइन भी वैसे ही है, डांट भी मिलती है और डांट के साथ गाली भी मिलती है इस होटल लाइन में। तो होटल लाइन तो एक फूड प्रोडक्शन में कॉमन है, इसलिए हमें इस चीज़ों को सीख लेना चाहिए कि हमें किस तरह से फूड प्रोडक्शन में काम करना है, किस तरह से नहीं। जेटी मतलब कि जॉब ट्रेनिंग, हमें जॉब के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाता है जॉब ट्रेनिंग में, इसलिए हमें पूरी तरह से इतनी मेहनत करने की जरूरत होती है, करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेने का कि जॉब ट्रेनिंग में हमें ये अगर प्रॉब्लम होगी तो हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए कैसे नहीं। तो हमें बिना माइंडसेट मतलब माइंड में बिना कोई लिए बातें को हमें इसको इग्नोर करते हुए अपने काम को करना है, कैसे प्रॉब्लम रहेगा हमें सब कुछ हैंडल करना है। इसलिए आपको ये मैं एडवाइस देना चाहता था क्योंकि मैं खुद एक होटल में किया, मैंने भी IT किया, JT भी किया और मैं जॉब भी कर रहा हूँ करंटली, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि किस तरह से मुझे मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों तक बताना चाहिए क्योंकि मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता था कभी कभी, तो इसलिए आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको अपने जॉब में मन लगा काम जॉब करना है, काम करना कोई भी जॉब ट्रेनिंग में जॉब कैसे भी है, हमें ऐसा मान के चलना कि हम उसी कंपनी के एम्प्लॉई हैं, तो हमें एम्प्लॉई जैसे काम करना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपकी सब चीज़ें का नॉलेज होना ही चाहिए कि हमें अगर किसी पर प्रॉब्लम नहीं होती तो हमें इसे दूर नहीं भागना है, इसे हमें सीख की तरह लेना है। ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग में वीडियो देखते रहूँगा आपको, ऐसे अगर कोई ऐसा टॉपिक रहेगा किसी प्रकार का भी, मैं आपको हर एक वीडियो को प्रोवाइड करता रहूँगा आप तक। कैसे कमेंट करके मुझे बताएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कैसे करना है क्योंकि जॉब में कैसे लगती है, जॉब कैसे करना है, JT कैसी होती है, MOT कैसी होती है,
और हमें CDP कैसे बनना है, इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना अपने आप को, कैसे हमें किस प्रकार ज्ञान लेना है, हमें इंग्लिश कैसे सीखना है, ये सारी चीज़ को ज्ञान लेना चाहिए। इस वीडियो को मैं समाप्त करूँगा और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि हमें कैसे क्या काम करना होता है। अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरे कुकिंग कैसे, मैं इस चैनल में कुकिंग भी करता हूँ, आप कुकिंग देख सकते हैं, कुकिंग मैं किस तरह से करता हूँ, तो मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं, कुकिंग में सीखने लायक आपको बहुत कुछ मिलेगा, कैसे क्या बनता है, कैसे खाने को कुक करते हैं, कितने टाइम उसमें, तो मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल से बताऊँगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब भाई कुछ सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो को देखते रहें भाई।